नेक्स्ट एग्जांपल है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए कैटनरी, ए कैटनरी में मूव कर रहा है जिसकी इक्वेशन ये है, द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इसका जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो इक्वल एंगल बना रही है टेंजेंट और नॉर्मल के साथ में टू द पाथ ऑफ एट ए पॉइंट, इफ द स्पीड एट द वर्टेक्स, ये कह रहा है स्पीड एट द वर्टेक्स वेयर साइज जीरो बी यू, अगर वर्टेक्स पे स्पीड यू है, शो दैट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट आर गिवन बाय दिस वन एंड दिस वन। ठीक है बेटा, ये क्या कह रहा है बेटा, एक पार्टिकल है ए और बी, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ए और बी इसने मूव करना शुरू किया, ठीक है, ए बी पार्टिकल ने ये वाला कैटनरी पाथ फॉलो कर रहा है ये, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी ये जो टेंजेंट के साथ बना रहा है ये यू वेलोसिटी है, ये गिवन है, फिर इसने कहा कि एक्सेलरेशन है किसी पॉइंट यहाँ पे आके इस पॉइंट पे, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है ना हमारे कैटनरी के ऊपर, ये टेंजेंट है और ये जो नॉर्मल है, तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना वो ये दोनों एंगल्स को डिवाइड कर रहा है इक्वल में, यानी पाई बाई फोर एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ में भी और इसके साथ में भी, कौन हमारा एक्सेलरेशन एफ, ठीक है, और ये जो टेंजेंट है ये बेस के साथ में हमारा साई एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। तो देखो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग नहीं है ये, एक्सेलरेशन एफ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल का बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल के साथ में, इस पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है यानी परपेंडिकुलर थे दोनों और 45 का एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा एफ बना रहा है पाई बाई फोर एंगल विद द टेंजेंट, तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, एफ कोस पाई बाई फोर क्या होता है, वी डी वी अपॉन डी एस, और हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो गया, साइन एफ साइन पाई बाई फोर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में रो हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों इक्वल है, एफ और वन बाई रूट टू इनकी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम इसको इसमें फिर रो की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, डी साई अपॉन डी एस दैट इज डी वी अपॉन वी इक्वल टू डी साई हमारा बच गया क्योंकि डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी बच गई इक्वेशन लॉग वी इक्वल टू साई प्लस में सम कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये बच गया हमारा। तो देखो इनिशियली जब स्टार्टिंग में साई हमारा जीरो था, देन वी क्या था हमारा, जब साई एंगल हमारा जीरो था तो वी हमारा यू के इक्वल था, वी हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू के इक्वल था, एंड देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम क्या ले लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे लॉग ऑफ वी, अब ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो गई ए की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद, किसमें लॉग ऑफ वी अपॉन यू इक्वल टू साई दैट इज वी यू ई साई, ये क्या आ गई वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, और यही हमें निकालनी थी कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ये आती है, ये आ गई। फिर लेते हैं हम सेकेंड द इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी क्या होती है, एस इक्वल टू सी साइन साई होती है और रो क्या होता है हमारा डी एस अपॉन डी साई होता है, यानी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू साई, तो ये आ गया हमारा। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वेयर अपॉन में रो, वी स्क्वेयर अपॉन रो की वैल्यू इसमें पुट की हमने, यहाँ से सी सेकेंड स्क्वेयर इसमें पुट की, ये इक्वेशन बन गई, वी की भी पुट की और यू की भी, वी क्या था हमारा यू ई साई, ठीक है, ये पुट की तो हमारी इक्वेशन बन गई सिक्स। अब जो हमारी इक्वेशन फोर है इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा क्या आ गया डी वी अपॉन डी एस आ गया हमारा यू ई साई डी साई अपॉन डी एस, अब डी साई अपॉन डी एस यहाँ से इक्वेशन फाइव से डी एस अपॉन डी साई वन अपॉन सी सेकेंड स्क्वेयर पुट किया डी वी अपॉन डी एस आ गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये था हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन, फिर आता यहाँ से फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट करके डी वी अपॉन डी एस निकाल लिया, फिर आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वी डी वी अपॉन डी एस, अब हमारे पास v भी है और dv अपॉन ds भी है, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट की ये आ गया। रिजल्टेंट क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एग्जांपल, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए
मूविंग इन ए साइक्लॉइड मेक्स विद द नॉर्मल एन एंगल इक्वल टू दैट विच द टेंजेंट टू द साइक्लॉइड एट द पॉइंट मेक्स विद द टेंजेंट एट द वर्टेक्स एंड इज इन द सेम सेंस प्रूव दैट द टेंजेंट एट पॉइंट टर्न्स यूनिफॉर्मली एंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन इज कॉन्स्टेंट. तो हमने मान लिया लेट टेंजेंट पी ऑन साइक्लॉइड मेक्स एन एंगल साई. ये कह रहा है जो हमारा टेंजेंट है वो क्या एंगल बना रहा है, साई बना रहा है विद द टेंजेंट एट द वर्टेक्स. वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है, एक तो ये टेंजेंट हो गया किसी पॉइंट पे, ये टेंजेंट हो गया और एक ये हो गया वर्टेक्स पे टेंजेंट. ये दोनों आपस में एंगल साई बना रहे हैं. एक तो ये टेंजेंट और एक ये वर्टेक्स पे टेंजेंट साई एंगल बना रहे मेजर्ड इन एंटी क्लॉक वाइज. देन दिस टेंजेंट विल मेक्स एन एंगल दिस विद द अदर साइड. अब देखो ये पूरा एंगल पाई होता है, ये साई हो गया तो ये पाई माइनस साई हो गया. हैंस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल पाई माइनस साई विद द नॉर्मल एट पी. जहाँ पे हम साई ले रहे थे वहाँ पे हम पाई माइनस साई लेंगे. यानी टेंजेंट पाई माइनस साई क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन नॉर्मल. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है और हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन ये होता है. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फॉर्म में, डी वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस टेंजेंट साई डी साई. अब इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वी, तो हमारा वी की वैल्यू आ गई सी कोसिकेंट कोस साई. डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकंड इक्वेशन को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी वी अपॉन डी एस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एस. किया हमने यहाँ से डी वी अपॉन डी एस निकाली, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये आ गया. अब इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड क्या होती है, ये होती है रो क्या होता है, ये होता है. इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू साई, ये हमारा क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू एस, ये आ गया हमारा रो की वैल्यू. तो डी साई अपॉन डी एस हमारा ये आ गया. तो हमें इक्वेशन फोर से हमें पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इक्वेशन फोर ये थी. अब हमें पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है, इसमें हम डी साई अपॉन डी एस की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये आ गया. इसको सिंप्लीफाई कर लिया जो हमारी वैल्यूज पीछे आई थी उसको यूज करके. तो नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन रो, रो की वैल्यू भी है हमारे पास, वी की वैल्यू भी है, इसको पुट किया. रिजल्टेंट क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस में नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और इसकी वैल्यू पुट की. ये क्या आ रहा है, देखो ये क्या आ रहा है, सी स्क्वायर अपॉन फोर है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, इसलिए क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है.